गुरपूरन नारायण है, गुरदयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत उदारण है, बरतर अजहर कदर गुर गोबिंद सिंह, जावे दानी सदर गुर गोबिंद सिंह, दावरे आ फाक गुर गोबिंद सिंह, दर्दो आलम ताक गुर गोबिंद सिंह, चवर शतर तख्त दे मालक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है। आप सरबत संगत नू मनुखता नू लख लख वधाइया ने। गुरु गोबिंद सिंह प्रबंधक जना दे वल्लों मुख सेवादार सरदार अवतार सिंह जी हित अते सिख जगत दे अंदर बड़ा सत्कार ते मरातबा जो सिंह साहबाना दा है, उस मरातबे ते सेवा कर रहे सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर, ये महान गुरमत समागम उलीके गए हैं। आओ इस पाक रूहे जमीन ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे गीत गा के अपने समय नू जीवन नू सफला करिए। बाणी दा फरमान है, गुर की महिमा क्या कहा, गुर बबेक सत सर ओह आद जुगादी जुग है जुग पूरा। परमेसर हर जुग दे विच जो अकाल पुरख निर्गुण स्वरूप सदा ही अटल है अचल है रहन वाला है, ओही कलयुग दे समय अंदर गुरु गोबिंद सिंह दे रूप विच पोह सुदी सतवीं 1723 विक्रमी संमत नूं पटने दी इस रूहे जमीन दे उत्ते प्रगट होए। माता गुजरी दी पाक कुख चों आगाज हुंदा है, गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी दी गोद विच उखेड़दे ने। उन्हां दे आगाज बाबत भाई साहिब भाई नंद लाल ने फारसी दे विक बचन के आए, दाई मोह पाईन दे गुरु गोबिंद सिंह, फरुखो फरखुंदे गुरु गोबिंद सिंह। ओ महापुरश कहिंदे ने ऐ गुरु गोबिंद सिंह जेड़ा परम ईश्वर पाइंदे रहण वाला दाइमो तो भाव है सदी भी है, उदा सरगुण स्वरूप तू है, भाव ऐ गुरु गोबिंद सिंह तू अचल तू अटल तू सदा सलामत है, तेरा नाम सदी भी है। अगे उन्हां लफ्ज़ वरते ने ऐ गुरु गोबिंद सिंह फारुखो, फारुख दा भाव हुंदा जेड़ा मुबारक है, जेदे वर्गा कोई दूजा सुंदर नहीं है। फरखुंदे तो भाव है पवित्र, इस रूहे जमीन दे उत्ते तेरे वर्गा कोई सुंदर नहीं,
तेरे वर्गी किसे विच अजमत नहीं, तेरे वर्गा कोई पाक पवित्र नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने भी यही कहा है, गुर नाल तुलना लगई खोज डिठा ब्रह्मांड। खंडा ब्रह्मांडा विच कोई गुरु परमेश्वर दे मरातबे वर्गा नहीं है। नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन में मंड। नाम दा खजाना वो बख्शन वाले ने। उना दे आगाज दा कारण की बनता है, अपा शुरू विच एक पंक्ति पढ़ी है, हो आद जुगादी जुग है जुग पूरा परमेश्वर। तुहानू नहीं पता तुहाडा पिछला जन्म कैसा है, ना मैनू पता है, ना अगां दा पता है की होवेगा, पर चौहां जुगां विच सुभायमान जो खुदाया है, जदों गुरु गोबिंद दे रूप विच दुनिया ते आया है, ते उन्हों अगले पिछले दी सारी समझ है, क्योंकि हर जुग विच है। अपनी ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक विचो जिक्र करते ने, मैं क्यों पटने दी इस रूहे जमीन ते प्रगट होया, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जिह बिद मोहे आनो। कहिंदे मैं बंदगी कर रहा सी, द्वैते एक रूप होए गयो, अकाल पुरख दा रूप हो गया, दुष्ट दमन दे रूप विच इबादत कर रहा सी। मैनू सदा आया अकाल पुरख वालों भी गुरु नानक दी अगमी जोत दा तुसी दसवां वारस बनना है, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के एह लोक पठायो। मैनू दुनिया ते भेजन लगे कुछ बचन करदे ने, कहिंदे तुसी एक पंथ चलाउणा है। इत्थे कई कुतर्क कर दिंदे ने जी, पंथ ते गुरु नानक तो ही चलिया है। बिल्कुल सिख पंथ चलिया है, पर खालसा पंथ चलाउणा है। सिख पंथ की तब्दीली खालसा पंथ विच करनी है, सिख नू सिंह बनाउणा है। महाराज कहिंदे मैनू, कहिंदे तुसी पंथ चलाउणा है, लोकाई नू पाप वल्लों वरजना है, सच की आवाज बुलंद करनी है। ते मैं परमात्मा नू एक बेनती कीती भी यह सौखा कार्ज नहीं है। एक रस्ता दुनिया ते सदियां तो चल रहा है, ते मैं उस रस्ते नू बंद करके एक नवा रस्ता तोर दवा, विरोधता होवेगी। इहदे लई अजमत चाहीदी है, बरकत चाहीदी है। तुसी अज तक जिन्हें भी महापुरश भेजे ने, कलां दे के भेजे ने, अजमतां दे के भेजे ने, करामात विच शरसार करके भेजे ने, मैनू की दिंदे हो? क्योंकि कार्ज वड्डा है। कहिंदे खुद खुदा प्रसन्नता विच आके कहिंदे, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचर करबे को साजा। कहिंदे आ दुष्ट दमन, पिता दी सारी जायदाद लखते जिगर दिलबंद दी हुंदी है, पुत्र दी हुंदी है। मेरी जिन्नी भी अजमत है, मेरी जिन्नी भी करामात है, तू मेरा लखते जिगर है, मेरा रूप है, मेरी अजमत दा मालक तू है। मैं तैनू करामात गिण चुन के नहीं दवांगा, मेरी समुची अजमत दा वारस तू है। जा दुनिया ते जा, मेरी अजमत लैके जा, सच दी आवाज बुलंद कर, पापियां दा अरिष्टां दा खुरा खोज मिटा, सच नू जाके प्रगट कर। महाराज कहिंदे मैनू अपना अंश बना लिया गया। हुण गुरु ग्रंथ साहिब नू पुछो भी की गुरु परमात्मा दा अंश ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। द डिवाइन गुरु इज द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड, गुरु ही खुदाया है। इत्थे पता नहीं केड़ा रब लभदे फिरदे ने कमले लोग, गुरु गोबिंद सिंह ही खुदाया है, गुरु गोबिंद सिंह ही खुद खुदा है। महाराज पातशाह आखन लगे, हुक्म होया जाहे तहां तै धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। केड़ा धर्म चलाउणा है? गुरु ग्रंथ साहिब ने ना सिख धर्म का वजूद यह दसिया है, कहिंदे सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। अकाल पुरख का नाम जपना ते जपाउणा। कबुद्ध का मतलब हुंदा है बेअकली, मूर्खता, पाप, गलत कर्म करने। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे मैनू गलत कर्म करन वालियां नू मिटाउण लई पातशाह अकाल पुरख ने भेजना कीता। कहिंदे मैं हाथ जोड़ के अगे बैठ गया अपने पिता दे, ठांड भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याए,
पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। ऐ अकाल पुरख तेरी कृपा नाल पंथ चलावांगा, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे, जो तेह प्रभ को त्याए हैं अंत सुर को जाए, जब आए सुप्रभ को भयो जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए। कहिंदे मेरा दुनिया ते आउण दा समा होया, उधर मेरे माता पिता मुर पित पुरब कियस पियाना भांत भांत के तीर्थ नाना। मेरे पिता जी देशां दशांतरां विच विचर रहे सन, जो मेरे आउण वाले समें विच पिता बनणगे दुष्ट दमन कह रहे ने, वो तीर्थां ते जा रहे सन। हुण तुसीं आखोगे ए सिख जगत दा सिद्धांत नहीं है तीर्थां ते जाणा। रब दा वास्ता ही गुरु नूं कल्ला सिखां दा गुरु ना समझो, जगत गुरु है। और तीर्थां ते ओह मन दी मनौत मंगण नहीं गया, क्योंकि जिन्हां महापुरशां दे तीर्थ ने अवतारां दे तीर्थ ने ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਨੌਤ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਭੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਾਉਣ ਗਏ। जन्म जन्म की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, जन्मा जन्मंतरा दी प्यास मिटा दिंदा है, झोलियां भर दिंदा है। कलगीधर कहिंदे जब ही जात त्रिबहणी भए, पुन दान दिन करत बताए। इथे भी तर्क हुंदा है, अखेरी एक ही कह दिता महाराज ने भी गुरु तेग बहादुर साहब प्रयाग तीर्थ पहुंचे, उथे जाके दान कीता। ते दान ते जिहड़े हिंदू लोग ने वह करते ने ब्राह्मणा नूं, ये भुल क्यों जाते ने भी सिख जगत जिहड़ा है दया चो प्रगट होया है। धौल धर्म दया का भूत, यह धर्म दया चो प्रगट होया है। जे दया नहीं है तेरे विच लिबास तू धार्मिक पाला, तू सिख नहीं है। मां होवेगी ते काका जमेगा ना, ते मां है ही नहीं है, दया है ही नहीं है, ते काका कितों पैदा हो गया, धर्म कितों प्रगट हो गया। और धर्म का आगाज दया तो है। गुरु नानक साहब ने ना वो जेड़ा 20 रुपया का लंगर लाया सी, वो दया चो ही प्रगट होया है। 2% साड़ी गिनती है, घाटी होवेगी दुनिया विच, पर इस दया चो प्रगट हुई लंगर की प्रथा करके साडा जेड़ा सिखां दा नाम है सब धर्मां दे उपर श्रेष्ठ मरातबे ते लिया जांदा है। ये दया चो प्रगट होया सिद्धांत है। फिर गुरु ते बादशाह है, गुरु ते दातार अकाल पुरख दा स्वरूप है। जिथे भी जावेगा वह दान पुन करेगा। ब्राह्मण आउंदे ने, क्षत्री आउंदे ने, शूद आउंदे ने, वैश आउंदे ने, लोड़वंद आउंदे ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने गुरु दा सुभा है सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। सारिआं दीआं झोलियां गुरु भरदा है। गुरु इज दा गिवर, गुरु इज दा क्रिएटर, गुरु ही झोलियां भरन वाला है। गुरु तेग बहादुर साहब ने तीर्थां ते लोकां नूं लुकाई नूं भुले भड़कियां नूं सीधे रस्ते पाए और लोड़वंदां दीआं झोलियां भरियां, दातां दित्तियां। पातशाह कहिंदे समा आया तही प्रकाश हमारा भयो। माता गुजरी जी का गर्भ ठहरदा है, कहिंदे मेरा प्रकाश हो गया मां दे हिरदे विच। तही प्रकाश हमारा भयो, और समा आया जदों 10 महीने हुंदे ने पटना शहर विखै भव लयो। जिस पाक जगह ते बैठे हो इस शहर दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अपनी ऑटोबायोग्राफी विच लिखदे ने मैं अवतार तारिया है। आखण लगे हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो, यही काज तरा हम जनमन, समझ लेहो साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। गुरबाणी की कहिंदी है साकत निंदक दुष्ट खिन माहे,
विधारियन कलगीतर दुष्टां दा खात्मा करन साधां दी रख्या करन दुनिया ते आ गए। भाई नंद लाल ने फारसी विच इक बचन किया कहिंदे बरदू आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खसम रा जा काहा गुरु गोबिंद सिंह। दोहां आलमां दा मालक जेड़ा खुदा है गुरु गोबिंद सिंह बन के दुनिया ते आया। अगे लफ्ज वरते ने खसम पंजाबी चे दा अर्थ हुंदा है पति ते जे एदा अर्थ तुसी परशियन विच अरबी विच लो ते खसम दा मतलब हुंदा दुश्मन। खसम रा जा काहा गुरु गोबिंद सिंह का कहिंदे ने एक घा दे छोटे जे अंश नूं। आखण लगे दुश्मना नूं घा दी न्याई उड़ाउण वाला है गुरु गोबिंद सिंह। दुश्मना दी जान गुरु गोबिंद सिंह दे सावें एक घा दे सिटे नालों वध के कुछ नहीं है। ता ही अल्लाह यार खां ने बचन किया सी जिस रन में लड़ा बे सरो सामान लड़ा तू सौ सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। अल्लाह यार खां कहिंदे गिणतियां मिणतियां नाल बंदा हराया जा सकदा है खुदा दा रूप गुरु गोबिंद नहीं। लखां दी गिणती हुंदी सी फौजां दी ते तू मुठ्ठी भर सिंह लैके जंग जित लैंदा सी। दुश्मना नूं काह वांगू उडाउण वाले ने घटाउण वाले ने गुरु गोबिंद सिंह। खैर महाराज दा प्रकाश हुंदा है ये कौन आए ने सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरां दे विच अकाल पुरख ने आपा टका के दुनिया ते प्रगट कीता। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। सतगुर ही मुक्ति दाते ने गुरु ही निजात दवाउण वाले ने। गुरु महाराज प्रगट होए भाई नंद लाल ने ना आगाज ते एक बचन किया वो बड़ी वड्याई करदे ने सामने बह के उन्हां करामात वेखी है गुरु दी। मुर्शदे पाके नूर हक आमद जां सबब दरदिलम सबक आमद। भाई नंद लाल कौन आया है कोई संत आया है कोई महापुरुष आया है? कहिंदे नहीं मुर्शदे पाके नूर हक आमद। मुर्शद दुनिया दा आया है जगत दा गुरु आया है। अकाल पुरख दा जिन्ना भी नूर है जिन्नी भी अजमत है एक मुजस्मे विच इकट्ठी हुई उस मुजस्मे दा नाम गोबिंद राय है। दुनिया ते प्रगट होए ने जां सबब दरदिलम हक आमद। और ए जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह है एदी जेड़ी अजमत है एदी जेड़ी पहुंच है। सबब दा मतलब हुंदा कारण दिलम दा मतलब हुंदा दिल। ओ जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह है ओ जितने भी ओदे दर ते गरीब गुरबे ने सब दियां झोलियां भरन वाला है सब नू सबक सिख्या देन वाला है सिख्या दे के भुले भटकियां नू मुक्ति दवाउण वाला है। भट्टां ने एक बचन किया गुरु जोत बारे कहिंदे असंभव उदवेओ पूरन पुरख विधातो। जिसदा असंभव है दुनिया ते आउणा जो जोत स्वरूप अकाल पुरख है उदवेओ ओही दुनिया ते उदे होया प्रगट होया पूरन पुरख विधातो। उस अकाल पुरख दा रूप ही गुरु नानक गुरु अर्जन गुरु गोबिंद ने द सेल्फ एग्जिस्टेंट द परफेक्ट प्राइमल लॉर्ड ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक गुरु गोबिंद। दुनिया ते महाराज आए ने। एक गल कह दवा मैं तुहाडे पटने शहर दी एक साखी कहिंदे जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दी सेवा करदा है उहदा मंगणा मुक जांदा है। एक दाता है जो झोली भरदा है फिर पदार्थ मुक जांदे ने। बिन सजाए जो निमख मैं सो अल्प सुख भनी है तुसीं फिर मंगदे हो वह दाता फिर दिंदा है। किन्नी क वार दवेगा एक ना एक दिन वह दरवाजा बंद कर लवेगा भी ये ते मंगता रोज ही मंगण आउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह इदां दा दाता है जिहदे अगे झोली अड्डीए ऐसी कृपा करदा है भी मंगना ही मुक जांदा है। बाणी दा फुरमान है सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजावणिया। हर इच्छा की पूर्ति कर देनी मेरे गुरु गोबिंद सिंह की बरकत है। भाई नंद लाल कहिंदे खासने हर गंज गुरु गोबिंद सिंह मरमहे हर रंज गुरु गोबिंद सिंह।
हर मलम की दवाई गुरु गोबिंद सिंह ने, हर खजाने दे खजांची गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह तो लहदा कोई बरकत देने वाला नहीं है। वो राजा ते राणी, राजा फतेह चंद मैणी ते पटने अंदर उसकी जो राणी है राणी विशंबरा देवी, बरकतां बड़िया ने, दौलतां बड़िया ने, शौहरतां बड़िया ने, पर झोली भरी नहीं, कुख हरी नहीं हुई, लखते जिगर कोई नहीं है इस राज भाग नूं भोगण वाला। हुण वो पंडित शिवदत्त दे सेवक ने जो ठाकुर दा पुजारी है, वार वार उसनूं बेनतियां करदे ने भी उस अपने मुरशद अगे कोई साड़ी भी अरदास बेनती कर, कुख हरी हो जावे। ते पंडित शिवदत्त कहिंदा तुहाडे कर्मां च नहीं जापदा, ते जे चाहुंदे हो ना तुहाडी झोली भर जावे, ते इस वेले कर्म लिखण वाला मनुखा जामा पहन के गोविंद राय पटने की धरती ते आया है। उहनूं याद करो, उसनूं चेते करो, उस अगे अरदास करो। वह दिलां दियां जानण वाला है, ध्यान धर के रोज बह जाया करो, एक ना एक दिन तुहाडे दर ते वह आ पावेगा। सुनिया भेजण की लोड़ नहीं है। कहिंदे रोज ही राजा ते राणी बैठ जांदे ने, एक दिन अंतर ध्यान होए बैठे ने, ते कोमल जिहियां बाहवां राणी दे गल विच पै गईआं, ते गलुए मुबारक तो बोल निकले, मां मैं आ गया। राजा राणी आश्चर्यता विच ने, ये कौन ने? ते बालक गोबिंद राय जी कहिंदे जिसनू रोज याद करदे हो। राणी खेड़े विच आई, बड़ी सेवा कीती, हुण दात मंगनी चाहुंदे ने लखते जिगर दी पुत्र दी। ते होया की है, वो दात दा ख्याल ना रहा। गुरु गोबिंद सिंह दे दिदारे करके जिमें रज गए होंदे ने, मंगना ही भुल गया। हुण रोज पातशाह आउंदे ने, ते एक दिन गोली ने कह ही दिता, महाराज साजा ये जेड़ा राज है, ये जेड़ी राणी है राजा है, इसनू अंश की प्राप्ति की इच्छा है। ये तख्त ताज फिर ही सोभणगे जे सांभण वाला कोई होवे, ते कृपा करो राणी की कुख हरी कर दिओ, बख्शिश कर दिओ। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सह सुभा कहिंदे राणी, गोली दे बचन सुन के कहिंदे राणी, देख रंचक मात्र समय विच कर्मगत मैं बदल सकता है। बाणी दा एक फुरमान है, सतगुर दाता दयाल है, जिसनू दया सदा होए। गुरु दयालु है, गुरु झोलियां भर दिंदा है। आ जिहड़े लखां लोक इहदे दर ते आउंदे हो, जे झोली कुछ पैंदा है ते आउंदे हो, झोली ते मैं तुहाडी भर सकदा है, पर कर्मगत विच तुहाडे लखते जिगर नहीं है, ते कर्मगत बदल भी सकदा है। पर जे तुसी आखो भी औलाद हो जावे, ते औलाद करके तुहाडा नामना दुनिया ते रहेगा। इत्थे लखां राजे होए, इत्थे कई सिकंदर होए, ना गोरे सिकंदर ना कब्र एदारा, मिटे निशानियों के नाम कैसे कैसे। इत्थे रहिंदा कौन है? नाम मिट जांदे ने, पर एक गल तय है भी जेड़ा अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है वह अमर हो जांदा है। कहिंदे देखो मेरे नाल तुहाडी सांझ पै गई, ते तुहाडा नाम मेरे नाल ही अमर हो जाएगा। औलाद पैदा होवेगी, औलाद मिट जाएगी, कोई मोर नहीं लगी दुनिया ते भी तुहाडा नाम अमर रहेगा। बाणी दा एक फुरमान है, वो आद जुगादी जुग है जुग पूरा परमेसर, जुगा जुगा विच रहण वाला है गुरु गोबिंद सिंह। ते गुरु गोबिंद सिंह दे नाल जेदा नाम जुड़ गया, उदा नाम ही जुगा जुगा तक रहिंदा है। महाराज बचन कर रहे सन, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुरु दा सेवक भी दसा दिशावां विच प्रगट हो जांदा है। सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्ब कला परपूरे, ऐ राणी इस लोक विच तुहाडा बच्चा तुहाडी सहायता कर सकदा है।
पर इस गल का ख्याल रखियो गुरु दे नाल सांझ पै गई मैं तुहाडी रखिया तुहाडी सहायता परलोक विच भी कर सकदा हां। लखते जिगर ते एक लोक विच बां फड़ेगा परलोक विच नहीं, मैं दोहां लोकां विच तुहाडी बां फड़ांगा। जदों इन्ने वचन कहे ना ते राणी वैराग विच आके कहिंदी महाराज गोली ने गुस्ताखी कीती है साडी गोद, जदों आए गोबिंद राय तू बैठ गया मेरा ते उदों मंगना ही मुक गया सी। ये भावना है, यह गुरु गोबिंद सिंह दे दिदारियां दी बरकत है। सतगुर जेड़ा है ना बाणी कहिंदी है गुर मिले है सब त्रिशन बुझाई, जिनू गुरु गोबिंद सिंह मिल गया उसका मंगना ही मुक गया। सो ऐसे अमर अजर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कुल कायनात दे ओ मालक ने कुल मनुखता दे ओ रहबर ने भारत वर्ष की रूहे जमीन ते प्रगट होए। महमूद गजनवी दे 1001 ईस्वी दे समय तो लैके 700 साल तो उत्ते भारत वर्ष गुलामी भोग चुकिया सी। खालसा पंथ 1699 की विसाखी नूं प्रगट करके दिल्ली का तख्त दे के थापड़ा बाबा जस्सा सिंह आलूवालिए नूं, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया बाबा बुघेल सिंह वर्गियां नूं अजमतां दे के तख्त जितया, खालसे दा राज होया। ए ओ गुरु गोबिंद सिंह है जे रूहे जमीन ते प्रगट ना हुंदा ते शायद ना किसे गुरद्वारे दे अंदर कीर्ति गाई जांदी, ना कोई धोती ना बोधी, ना किसे मंदर दे अंदर टल खड़कदे, इत्थे कलमा ही पढ़िया जांदा। ए गुरु गोबिंद सिंह दी रहमत है, जिवें बड़े बड़े महापुरशां दी पुरजोर कलम नूं कहना पै गया सी ना कहूं अब की ना कहूं तब की, घर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ये बुले शाह वर्गियां दी पुरजोर कलम दा दावा है, किसे सिख दा नहीं गैर सिख दा दावा है। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह दी पाक रूहे जमीन नूं सजदा करन लई पहुंचे हां। आप सरबत संगतां दा धन्नवाद, प्रबंधक जना दा धन्नवाद, जिथे आप संगतां बैठे हो। दो तीन दिन तो दास वेख रहा है प्रबंधकां दे विच मुख सेवा निभाउण वाले सरदार अवतार सिंह जी हित इन्हां समागमां दे विच आप संगत दे सन्मुख बैठ के दिन रात इत्थे दर्शन दिदारे कर रहे ने। चाहे बिरद अवस्था है पर गुरु पातशाह दे दर दी कीर्ति इत्थे बैठे सरवण कर रहे ने। गौरे मस्कीन सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर वह भी इत्थे बेअंत सेवावां निभा रहे ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुख सेवादार बीबी जगीर कौर जी वह भी पहुंचे ने। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।